बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं मोहम्मद बिलाल इफ्तिखार खान, एक नए तज़िये के साथ। आज का टॉपिक हमारा थोड़ा सा डिफरेंट है जो बाकी जो अभी तक आपने हमारे चैनल के ऊपर टॉपिक्स देखे उनसे। आज हम बात करेंगे कि क्या दुनिया का जो वर्ल्ड ऑर्डर है, जो वर्ल्ड ऑर्डर है उसमें तब्दीली आ रही है। इसके दो पार्ट्स हैं। आज हम बड़े लेवल पे देखेंगे कि इस वक्त दुनिया में क्या हो रहा है, और इसके बाद दूसरा जो पार्ट होगा उसके अंदर हम मिडल ईस्ट और साउथ एशिया के अंदर खास तौर पे जो तब्दीलियां आ रही हैं उनके ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि वर्ल्ड ऑर्डर होता क्या है। वर्ल्ड ऑर्डर की इस्लाह सबसे पहले अमरीकी सदर विड्रो विल्सन ने इस्तेमाल की थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, जब लीग ऑफ नेशन, जैसा कि आप सब जानते हैं, जब बनी तो उसमें उन्होंने अपनी खिताब में वर्ल्ड ऑर्डर का जिक्र किया। और उन्होंने कहा कि वर्ल्ड के अंदर पीस रखने के लिए डेमोक्रेसी जो है और डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ जो हैं उनको भी तरवीज की जाए ताकि दुनिया के अंदर देरपा अमन आ सके। तो जब हम वर्ल्ड ऑर्डर की बात करेंगे तो इसको बेसिकली कहते हैं कि इट इज़ एसोसिएटेड विद एन आइडियोलॉजिकल नोशन ऑफ वर्ल्ड गवर्नेंस ओनली इन सेंस ऑफ कलेक्टिव एफर्ट्स to identify, understand or worldwide problems beyond capacity of individual nation state to solve. अच्छा, हम देखते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद कम्युनिज्म जो है एक आइडियोलॉजिकल थ्रेट बन के आया कैपिटलिज्म के सामने। बेसिकली जो कैपिटलिज्म था उसके अंदर डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेज जो हैं वो इकॉनमी को चला रही थी, और इकॉनमी जो चल रही थी उसी इकॉनमी की वजह से मोरालिटी और जो आइडिया, जो लोगों की जो अंडरस्टैंडिंग्स थी वो तब्दील हो रही थी जैसे जैसे कैपिटलिज्म एवॉल्व कर रहा था। मतलब एक मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ कि सन 1900 के अंदर अगर अमेरिका के अंदर कोई खातून उनके टखना जो है वो नज़र आ जाता तो उसे वो इमोडेस्टी के अंदर करते थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता 1940-50 तक पहुँचते डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेज ने मोरालिटी को इतना चेंज कर दिया कि आपके सामने आज जिस सिचुएशन पे दुनिया पहुंच चुकी है। इसी जो कैपिटलिज्म है इसका जो कंक्लूजन निकलती है, अगर आप इसके को पढ़ें, इसको स्टडी करें, तो जो इस कैपिटलिज सोसाइटी का जो इकोनॉमिक सिस्टम निकलता है वो हमें नज़र आता है कि वो है डेमोक्रेसी। इसीलिए कैपिटलिस्ट सोसाइटी को चलाने के लिए उस आइडियोलॉजी पे चलने वालों ने डेमोक्रेसी को तरवीज देनी शुरू कर दी। अच्छा, डेमोक्रेसी जहाँ पे बातें बड़ी अच्छी करती है वहाँ पे उसके कई ड्रॉबैक्स भी हैं, और उन्हीं ड्रॉबैक्स की वजह से हमने देखा कि सोशलिज्म का नज़रिया जो है रिएक्शन के तौर पे वो सामने आया, जो एक्सट्रीम फॉर्म में कम्युनिज्म के ऊपर बन गया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया वाजे तौर पर दो ब्लॉक्स के अंदर बट गई, एक सोशलिस्ट ब्लॉक था, दूसरा कैपिटलिस्ट ब्लॉक था। सोशलिस्ट ब्लॉक की जो सरबराही कर रहा था वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कर रहा था, और उसके साथ वेस्टर्न यूरोप था, और इसी तरीके से एशिया और दूसरे बड़े आज़मों में लाइकली माइंडेड जो लोग थे वो शामिल थे। जबकि सोवियत यूनियन जो है वो कम्युनिज्म का की क्षमा बरदार था, लेकिन कम्युनिज्म के साथ साथ सोशलिज्म के साथ साथ उसके हमसाये में चाइना था जिसके अंदर माओइस्ट फॉर्म ऑफ जो है सोशलिज्म जो है वो लागू थी, लेकिन उसके साथ इसके अच्छे ताल्लुकात भी थे। अमेरिका या यूरोप जिन ममालिक का इत्तेहादी था उनके साथ मदद करता तो उसके अंदर वो रिटर्न भी लेता था, लेकिन जबकि सोवियत यूनियन से सबसे बड़ी गलती ये हुई कि उसने जहाँ जहाँ पे कर्जे दिए या जो कुछ भी दिया इमदाद दी उसके बदले में कुछ नहीं मांगा, जिसकी वजह से एक वक्त वो आया कि इतना स्ट्रेन पड़ गया सोवियत इकॉनमी के ऊपर कि सोवियत यूनियन आखिरकार टूट गया। इसके अंदर आप जानते हैं कि बहुत से वाकयात हमें सेकेंड वर्ल्ड वॉर और कलेप्स ऑफ सोवियत यूनियन के दरमियान नज़र आते हैं, जिनके अंदर क्यूबन जो है मिसल क्राइसिस बहुत अहम है। उसके अलावा अफगान वॉर, वियतनाम के अंदर जो है अमेरिका को मार खानी पड़ी क्योंकि जो वियतनामीज थे उनको सपोर्ट कर रहा था रशिया। जब रशिया टूट गया तो उसके बाद जो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एक बड़ी ताकत के तौर पर उभरा। अच्छा, एक पैक्स अमेरिकाना यानी कि अमरीकियों का एक ख्वाब रहा है कि रोमन अम्पायर की तरह वो बहुत बड़ी ताकत के तौर पे सामने आए। तो पैक्स अमेरिकाना का जो कॉन्सेप्ट था वो काफ़ी अरसे से अमेरिकन्स के दिमाग पे चल रहा था। इस ही अरसे में सोवियत यूनियन जब टूटता है तो हम देखते हैं कुछ बहुत अहम किताबें आती हैं जिनमें हमें आगे पता चलता है कि आगे होना क्यों जा रहा है, क्योंकि लीडर जो है सोवियत यूनियन तो ख़त्म हो गया, अब एक ही पावर है, यूनिलैटरल सिस्टम आ गया, और वो यूनिलैटरल पावर जो है
वो कौन है? वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उसमें एंड ऑफ हिस्ट्री फुकुयामा ने लिखी, और उसके बाद उसके को रद्द करने के लिए थीसिस आया सैमुअल पी हंटिंगटन का, जिसको हम क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन के नाम से जानते हैं। क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन के थीसिस के अंदर हंटिंगटन ने कहा कि जो फ्यूचर का जो कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे वो आइडेंटिटी और आइडियोलॉजी, रिलीजियस आइडियोलॉजी की बुनियाद पे होंगे। तो हमने देखा कि जो कोल्ड वॉर का एरा था, यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो शुरू हुआ और कोलैप्स ऑफ सोवियत यूनियन तक, उसके अंदर जो है दुनिया आइडियोलॉजीज के अंदर बटी हुई थी, या तो आप कैपिटलिस्ट थे या फिर आप सोशलिस्ट थे। लेकिन जब सोशलिज्म खत्म हो गया तो अब एक नए बुगीमैन की जरूरत पड़ी, और उसके अंदर फिर हम देखते हैं कि इस्लामिक टेररिज्म के नाम से एक नया फिनोमेना जो है, नया तो नहीं था, पहले भी वो कुछ हो रहा था, लेकिन उस वक्त वो रशियंस के खिलाफ हो रहा था, सोवियत यूनियन के खिलाफ हो रहा था, उसे इंट्रोड्यूस करवाया गया। वो उसके इंट्रोडक्शन के बाद हमने देखा ग्रेजुअली उसको हवा दी गई। इस अरसे के अंदर 1998 के अंदर जब ये सब कुछ हो रहा था, अमेरिका ताकत पा रहा था, तो एक बहुत अहम किताब सामने आई, रॉबर्ट केगन उसके राइटर थे, उसका नाम था ऑन पैराडाइज एंड पावर। उसके अंदर रॉबर्ट केगन ने, ये वो जमाना था कि एक तरफ तो अमेरिका यूनिलैटरली जो है यानी कि आगे आ रहा है, एक डोमिनेंट पावर बन चुका है, लेकिन साथ साथ ईयू के नाम से एक यूरोपियन अलायंस भी सामने आ रहा है। अच्छा, ये ईयू अलायंस जो है ये अमेरिका के जो थिंकर्स थे उनके लिए एक थ्रेट बन रहा था, वो इसे एज अ थ्रेट के तौर पे ले रहे थे, क्योंकि कंबाइंड जो यूरोपियन यूनियन की इकॉनमी थी वो किसी लेवल पे आके अमेरिकन को इकॉनमी को चैलेंज करने की अहलियत रखती थी। 1998 में, अभी जैसे मैंने बताया, केगन की किताब आई, रॉबर्ट केगन की ऑन पैराडाइज एंड पावर, उसमें उन्होंने अमेरिकन रैशनल ये बताया, उन्होंने कहा कि एक जंगल है उसमें आपको कोई काम पड़ता है, जब आपके पास सिर्फ एक छुरी है, वो छुरी लेके आपने उस जंगल में जाना है, और उस जंगल में एक बहुत खूनखवार भालू रहता है, तो आप क्या करेंगे? उसने फिर खुद ही जवाब दिया उसने कि आप ये करेंगे कि आप जंगल में जाएंगे, लेकिन आप ये साथ साथ दुआ करते जाएंगे कि कहीं पे भालू के साथ आपका आमना सामना ना हो। फिर उस वो कहता है कि अगर आपके पास एक ऑटोमेटिक वेपन है और आपको जंगल में काम पड़ता है, तो आप पहला काम क्या करेंगे? हम पहला काम ये करेंगे कि हम सबसे पहले उस रीछ को मारेंगे, उस भालू को मारेंगे, ताकि थ्रेट एलिमिनेट हो जाए और हम जो हैं अपना काम आराम से करके बगैर किसी खौफ के वापस आ चुके। बस यही बुनियाद थी उसकी। अब हुआ ये कि यही वो अरसा था कि जब जो है 21वीं सदी शुरू होने वाली थी, यानी कि 2000 आने वाला था, 1998 के अंदर रैंड कॉर्पोरेशन जो है अमेरिका का एक बहुत बड़ा और बड़ी कंट्रीब्यूशन है ह्यूमैनिटी की तरफ, उनका रिसर्च इदारा है, उसने एक स्टडी कंडक्ट की पेपर्स और एडिटेड फॉर्म में, बुक फॉर्म में आई, जिसको एडिट किया जो इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं और एम्बेसडर हैं, ये तमाम जो चल रहा है अफगान पीस प्रोसेस उसके अंदर, जुल्मे खलीलजाद, उसके अंदर राइटर्स ने बताया कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी दुनिया की ग्लोबल इकोनॉमी की है वो अब शिफ्ट हो रही है टूवर्ड्स फार ईस्ट, यानी कि चाइना और फार ईस्ट रीजन के अंदर हो रही है। तो आगे जो यूरोप से इकोनॉमी का जो है, मैन्युफैक्चरिंग का, प्रोडक्शन का, वो उठ रहा है और ये सारे का सारा जा रहा है चाइना की तरफ, इसलिए चाइना को उन्होंने मुस्तकबिल का एक बताया। अच्छा, चाइनीज फॉरेन पॉलिसी जो है, चाइनीज पॉलिसी जो है वो बहुत प्रैग्मेटिक रही है। चाइनीज वो कौम है जिन्होंने अपने आप को हर मामले के अंदर, हर हालात के अंदर जो है अपने आप को इवॉल्व किया और बेहतर रिजल्ट्स दिए। यही वो ज़माना था कि हम देखते हैं कि 1998 के अंदर अमेरिकन थिंक टैंक, जो कि कंजर्वेटिव्स का थिंक टैंक है, जिसका नाम प्रोजेक्ट फॉर न्यू अमेरिकन सेंचुरी है, वो अपने एक पेपर में कहता है कि अमेरिका को अपने आप को दुनिया के ऊपर दोबारा जो है ज़्यादा पावर हासिल करने के लिए एक पर्ल हार्बर जैसा जो है ना वो इंसिडेंट चाहिए, ताकि अमेरिका पूरी ताकत के साथ पूरी दुनिया के अंदर अपना इन्फ्लुएंस जो है वो बहाल कर सके, जो कि हमने देखा कि 2001 के अंदर अफसोसनाक वाक्य जो अमेरिका के अंदर हुए 9/11 के, उसकी सूरत में नजर आया। अब हुआ ये कि मेरे पास जो है वो ऑटोमेटिक वेपन भी है और कोई मुझे चैलेंज करने वाला भी नहीं है। एक और इसमें आपको मैं बात बताता चलूं कि ये 1992 की बात है, गल्फ वॉर की बात है, जिस वक्त एक आप सबने सुना होगा एक कॉन्सेप्ट ग्लोबल रीच का, ये ग्लोबल रीच है क्या? ग्लोबल रीच को पॉल रॉजर्स जो हैं लूजिंग कंट्रोल उनकी किताब उसमें डिफाइन करते हैं कि जब ये गल्फ वॉर हो रही थी, अमेरिकन जहाज उड़े कैलिफोर्निया से, उन्होंने इराक पे बॉम्बिंग की और दुनिया का चक्कर लगाते हुए पूरे, यानी कि तकरीबन ये 36 आवर्स का ऑपरेशन था, वापस जो है अपने
बेसिस के ऊपर जो है कैलिफोर्निया के अंदर उड़ गए, और उस असना में उनको कई बार जो है मुतवातर बार जो है हवा के अंदर ही रिव्यू किया गया। अभी तक दुनिया के अंदर कोई ताकत जो है वो ये अपनी कैपेबिलिटी जो है वो साबित नहीं कर सकी। हमने देखा कि 9/11 के बाद अफगानिस्तान के ऊपर हमला किया, उसामा बिन लादन को मांगा गया, तालिबान ने लेजेडली वो उसामा को देने से इनकार कर दिया। इतना बड़ा हादसा हो चुका था, इतने हजारों लोग मारे जा चुके थे, इतने हजारों लोग जो अमेरिका की इज्जत का सवाल था, तो अमेरिकन्स ने अफगानिस्तान के ऊपर जो है हमला किया और तालिबान रेजिम जो है उसको निकाल बाहर किया। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि आहिस्ता आहिस्ता बिल्डअप शुरू हो गया सदाम हुसैन के ऊपर, कि सदाम हुसैन जो है वो वेपन ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन बना रहा है, क्योंकि पहले भी हमने देखा ईरान इराक वॉर और उसके बाद भी केमिकल वेपन्स को डेवलप किया हुआ था सदाम ने, जो उसने कुर्दों के खिलाफ भी यूज़ किए और ईरानियंस के खिलाफ भी यूज़ किए। इस वजह से एक रैशनल तो मौजूद था, अब एटॉमिक की बात हो रही थी। हालांकि 80s के अंदर इसराइल ने मेन जो एटॉमिक जो इनका प्लांट था उसे तबाह कर दिया। खैर, झूठी इंफॉर्मेशन के ऊपर, रिपोर्ट्स, अननोन रिपोर्ट्स के ऊपर इराक पे कब्जा कर लिया गया, इराक सदाम हुसैन का तख्ता उलट दिया गया और इराक के ऊपर जो है कब्जा कर लिया गया। अब हालत ये थी कि क्योंकि जो विलन बनाया गया था मुसलमानों को, इस वजह से मुसलमानों की पूरी दुनिया के अंदर जो है उनके ऊपर सख्तियाँ होनी शुरू हो गई, एयरपोर्ट्स के ऊपर चेकिंग, उनको शक की निगाह से देखना शुरू कर दिया गया, वगैरह वगैरह वगैरह। ये वो असना था कि चाइना जो है वो राइज कर रहा था। राइज करने से मुराद ये कि चाइनीज़ खामोश थे, इनकी लीडरशिप ने ये फैसला किया कि पहले हम ताकतवर होंगे, फिर हम इंटरनेशनल अपने चाइना से बाहर भी काम करने की कोशिश करेंगे। चाइना प्रोडक्टिविटी उसकी बढ़ रही थी, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही थी। आज चाइना जो है वो अमेरिका के बाद दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी जो है वो बन चुका है। इसी तरीके से रशिया सोवियत यूनियन जो टूटा था, उसके बाद सोवियत यूनियन के गोर्बाचोफ के जाने के बाद जो है येल्सिन आए और एक नए किस्म का जो है सोशलिज्म के मुकाबले में एक सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, जिसे एकेडमिक हलकों के अंदर क्रिमिनल कैपिटलिज्म कहा जाने लगा। लेकिन फिर प्यूटन ने इक्तदार पाया और स्टेप बाय स्टेप जो है दोबारा रशिया की उस ग्लोरी की तरफ प्यूटन लाना शुरू हो गया। अब चाइना के पास कैश बहुत था, क्योंकि उसकी जो है इकॉनमी ग्रो कर रही थी, रशिया के पास कैश कम था। दूसरी बात यह है कि दोनों को थ्रेट समझ रहा था यूनाइटेड स्टेट्स, और जो है प्यूटन जो है वो बहाल करना चाहता था, और उसके आगे सबसे बड़ा थ्रेट जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स ही था, इसलिए दोनों ही एक दूसरे के करीब आने शुरू हो गए। आज हालत ये है कि दोनों कई मामलात में एक दूसरे का साथ दे रहे हैं, अलाइन ना होते हुए भी एक दूसरे के साथ हैं मुख्तलिफ पॉलिसीज में, क्योंकि दोनों की ये कंपल्शन है। आपको याद होगा पिछले साल जो है एक जापानीज एयर स्पेस जो है वो वायलेट की थी, रशियन बॉम्बर्स थे चाइनीज के साथ, तो वो एक बेसिकली अमेरिकन्स को फार ईस्ट के अंदर, क्योंकि आपको पता है कि चाइना सी के हवाले से काफ़ी शोर उठता रहता है, और हाल ही में पोम्पियो साहब ने भी चाइना सी में जो चाइनीज़ आइलैंड्स हैं उनकी ऑक्यूपेशन को इलीगल करार दिया। इसी तरह आसियान को भी वो उठाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसमें नाकाम होता हुआ नज़र आ रहा है। चाइनीज़ ने क्या किया, चाइनीज़ के सामने तारीख मौजूद थी, उन्होंने जो है अपनी सॉफ्ट पावर के ज़रिए पहले दोस्त बनाए। जापान जो बहुत बड़ा जो है इसका कंपटीटर और दुश्मन समझा जाता था, आज वो भी उबोर का हिस्सा बन गया है। 2013 के अंदर जो है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के नाम से इनकी स्ट्रेटजी सामने आई, ताकि अपने जो इलाके ट्रेड रूट्स हैं और जो ट्रेड की उसकी कैपेबिलिटी है चाइना की वो बढ़ सके, और इसमें जो ममालिक उसमें शामिल होते जाएँ उनका भी फायदा होता चाहे। तो अमेरिका ने क्या किया, अमेरिका क्योंकि ताकत आप देख लें कि इस वक्त कौन सा बड़े आजम है जहाँ पे अमेरिकन कमांड मौजूद नहीं है, वो कौन सा समंदर है जिसके अंदर अमेरिकन शिप नहीं है। लेकिन बात ये है कि ये शिप्स रखना, इतनी बड़ी फोर्सेस जो है, इतनी कैपेबिलिटीज को कायम रखना, उसके लिए बेहद ज़रूरी होता है आपके पास इकॉनमी भी हो। तो कोरोना वायरस के बाद ख़ासतौर पर हम देख रहे हैं कि अमेरिकन इकॉनमी जो है वो बैकफुट पे जा रही है, और चाइनीज़ इकॉनमी हम देख रहे हैं कि ये पहली इकॉनमी है जिसने जो है अपने आप को मनवाना शुरू किया, ग्रोथ इसमें नज़र आ रही है। इसके अलावा जो है हम देखते हैं कि चाइना ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का, मैं दोबारा कहूँगा कि इसमें बहुत इफेक्टिवली जो है बहुत से अपने जो कंपटीटर्स थे जो पसंद नहीं करते थे, मुखालिफिन थे, उनको अपने साथ शामिल कर लिया। अगर आप शुरू हो जाएँ
जापान से फार ईस्ट से शुरू हो जाएं तो फार ईस्ट के अंदर ही आपको तकरीबन तमाम ममालिक नजर आएंगे जो के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंदर अपने इकोनॉमिक मफादात के लिए आ चुके हैं। और चाइना की एक और पॉलिसी रही है कि वो लड़ाई से ज़्यादा कोशिश करता है कि अमन अमान और डिप्लोमेसी के जरिए जो है ना मामला तय हो जाएं। यही वजह है कि ताइवान के ऊपर अभी तक चाइना ने कब्जा नहीं किया, हालांकि चाइना चाहता तो चाइना के लिए वहाँ पर कब्जा करना कोई मुश्किल नहीं था। दूसरी तरफ चाइना की इस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो कि अब म्यांमार में भी पहुंच चुकी है, साउथ एशिया के अंदर स्वाइन इंडिया के तमाम पहुंच चुके हैं, आप देख रहे हैं कि ईरान भी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का मेंबर जो हिस्सा बन चुका है, इराक जो है वो भी बन चुका है, सीरिया भी बन चुका है, साइप्रस, और आप यूरोप में चले जाएँ तो इटली तक आपको बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के, लैटिन अमेरिका के अंदर कई ममालिक जो हैं आपको नजर आएंगे, अफ्रीकन कई कंट्रीज जो हैं वो बेल्ट एंड रोड में आ चुके हैं। तो इस तरह का कोई भी जो है वो नहीं दे सका। अच्छा, अब जब हमें ये नज़र आ रहा है कि जो ग्लोबल ऑर्डर जो है वो चेंज हो रहा है, और उस चेंज होने की एक बहुत बड़ी वजह जो है वो क्या है, वो यही इकॉनमी है, कैपिटलिज्म जो है। आपको याद होगा भी एक माह पहले जो है यूनाइटेड नेशंस के जो सेक्रेटरी जनरल हैं उन्होंने अपनी स्पीच के अंदर जो मंडेला की थी उन्होंने कहा कि सिस्टम जो है, जो ग्लोबल सिस्टम है इकोनॉमी का, वो फेल कर चुका है और उसकी वजह से डिस्पैरिटी और जो है रेसिज्म जो है उसके अंदर इजाफा हुआ है। तो यानी कहने का मकसद ये है कि सिस्टम तो कोलैप्स हो गया जिसकी बुनियाद जिस कैपिटलिज्म जिस फ्री मार्केट इकॉनमी की बात कर रहे थे, वो फ्री मार्केट इकॉनमी जो है वो हमें नज़र आ रहा है कि कई जगह पे वो एक दोबारा से जो वो एक ज़माना था इम्पीरियलिज्म का ज़माना था जहाँ पे कॉलोनीज होती थी, ममालिक को मुख्तलिफ तरीक़ों से मजबूर कर दिया गया कि वो एक ख़ास लाइन टो कर सकें। तो 9/11 जो सोवियत यूनियन के कोलैप्स के बाद तो ऑप्शन नहीं थी अवाम के पास, लेकिन अब चाइना और रशिया जॉइंटनेस की वजह से वो ऑप्शन हमें सामने नज़र आने शुरू हो। मैंने वीडियो का आगाज़ किया था कि तारीख अपने आप को दोहराती है, तो कुछ मेरे फैक्ट्स एंड फिगर्स मेरे पास मौजूद हैं जो मैं आपके साथ जो है वो शेयर करना चाहूँगा कि उसमें ये है कि 1870 से लेके 1914 तक जो है ना, आप जानते हैं कि दुनिया के अंदर जो ग्लोबल मैनुफैक्चरिंग थी उसका 23% हिस्सा जो है ना वो यूनाइटेड किंगडम या ब्रिटेन के पास था, जबकि 1913 के अंदर जो है ये प्रोडक्शन लेवल ये मैन्युफैक्चरिंग लेवल कम हो गया, 14% ब्रिटानिया का हो गया, लेकिन इसी ज़माने में 9% से अपनी प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज़ बढ़ा के जर्मनी जो है वो दुनिया के अंदर 15% जो है ना मैन्युफैक्चरिंग का हिस्सा लेने के अंदर कामयाब हो गया। ये वो ज़माना था जब यूनाइटेड स्टेट्स दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर था और वो 32% यानी कि 32% जो है मैन्युफैक्चरिंग का शेयर था उसके ग्लोबल प्रोडक्शन के अंदर। और यही वजह थी कि अमेरिका के पास एक लेवरेज भी था, उस लेवरेज को हमने देखा किस तरीके से वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर कूदा और उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी हुई। आज हम देख रहे हैं कि जिस तरह बरतानिया के प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज़ कम हुई और उसको फिर जर्मनी के साथ जो है एक उसका शुरू हुआ, वही चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं इस वक्त अमेरिका और चाइना के दरमियान। अच्छा, ये चेंजेस खिता वाइज किस तरह आ रही हैं, क्योंकि हमारा चैनल जो है वो सिर्फ डील कर रहा है पाकिस्तान के हवाले से, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है हम बात करेंगे कि इस वक्त मिडल ईस्ट का ऑर्डर किस तरह चेंज हो रहा है और साउथ एशिया का क्या चेंजेस आ चुके हैं और आगे क्या किस टाइप पे बातें जा रही हैं। ईयू का जहाँ तक थ्रेट है वो आपको पता है, ब्रेक्सिट के बाद ईयू को काफ़ी कमज़ोर कर दिया गया, वो तो आप चैलेंज करने के नहीं, लेकिन ईयू का बदला ये है कि ईयू भी खुल के अमेरिका के साथ खड़े होकर चाइना के खिलाफ नहीं आ रही। तो अगली वीडियो तक मुझे मोहम्मद बिलाल इफ्तिखार खान को इजाज़त दीजिए, और जाने से पहले मैं एक अपील करता चलूँ कि देखें हम जर्नलिस्ट हैं जो अपने मुल्क की खिदमत करना चाहते हैं, काइंडली अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमें अप्रिशिएट इस तरह करें कि इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे आगे तक पहुंचाएं ताकि हम अपना काम जारी रख सकें। उस वक्त तक मोहम्मद बिलाल इफ्तिखार खान को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।